तो उस औरत को ये कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? मेरी बहनों, एक नसीहत तुम्हारे लिए भी, सुनो। अक्सर शिकायतें सुनने में आती हैं, क्या मेरा शौहर 12 बजे रात में घर आता है, मेरा शौहर 1 बजे रात में घर आता है। हाँ, बहुत गलत करता है, नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात सुन ले, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मेरी माँ बहनों, जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, जेब व जीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? क्या करेगा कि वो तुम्हारे लिए मगरिब के बाद तुम्हारे घर में बैठ के क्या करेगा? तुम्हारी लंतरानी सुनेगा वो? हां, तुम्हें शिकायत का पूरा हक है। जब मगरिब के बाद मुंह हाथ धुलकर मेकअप करके लिपस्टिक लगा के क्रीम पाउडर लगा के नहीं चुपड़ के अच्छे कपड़े पहनकर तुम रेडी रहो और अपने शौहर को 10 बार फोन करो, कहाँ हो, जल्दी आओ ना, मैं सो जाऊंगी फिर आओगे। 10 बार फोन करो, बुलाओ, फिर तुम्हें शिकायत का हक है कि मेरा शौहर मेरे पास नहीं आता है। रहोगी घर में भंगन बनकर, फिर वो आएगा रात के, क्या करेगा वो आकर? फिर तो वो उसी ऑफिस वाली के पास बैठेगा जिस ऑफिस में उसके साथ काम करता है, क्योंकि वो उसके लिए बंठन कर बैठी हुई है। अगर रात में कोई शौहर 1 और 2 बजे तुम्हारे घर आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने कैसे उसको इतनी आज़ादी दी है? तुम्हारे प्यार में कोई कमी ज़रूर है, तुम्हारे मेकअप और जेब व जीनत में कोई कमी ज़रूर रह गई है, वरना वो मगरिब के बाद घर छोड़ के जाता कैसे है, समझ में नहीं आता मुझे। इताअत, वरना इतना बड़ा हक, बुरा मत मानिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना हुक्म दिया है कि शौहर की इताअत इतना करेगी कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपनी किसी खास ज़रूरत के तहत बुला रहा है, दिन भर ऑफिस में काम करके थका हुआ आया है, उसने शादी इसलिए की है ताकि उसको सुकून हासिल हो, ले तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी सुकून का ज़रिया हैं। जब बीवी से सुकून ही न मिले तो कहाँ जाए वो, इसलिए फरमाया, आए अल्लाह की बंदियो, अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी मोमिना औरतों, कान के पर्दे खोल कर सुनो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें अपनी खास जरूरत के लिए तुम्हें बुला रहा है, रात के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है या दिन के किसी भी हिस्से में तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी शौहर की फौरन बात मानना चाहिए। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने कहा आला कतबिन, अगर तुम ऊंट के कजावे पर भी बैठी हो तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। ऊंट का कजावा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अरब की औरतें जब डिलीवरी का वक्त करीब होता था, उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त जब करीब होता था और बच्चा जन्ने का वक्त जब करीब होता था, तो वो दर्द से बचने के लिए ऊंट के कजावे पर बैठ जाती थी, और ऐसा बैठने का मकसद ये था कि बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाए और उनको दर्द ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी माँ बहनों, शौहर का इतना ख्याल रखा अल्लाह के नबी ने, उसको गलत रास्ते पे न जाने दिया जाए, इस पर तुम्हें इतना ख्याल रखना पड़ेगा। फरमाया कि अगर तुम ऊंटनी पर बैठी हो, तुम्हें डिलीवरी का वक्त करीब हो, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब क्यों ना हो, अगर ऐसे मौके पर भी वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हें अपने शौहर के पास उस हाल में भी जाना पड़ेगा। हालांकि ये एक मकसद है बताने का, यानी इतना बड़ा मकाम है, लेकिन इतना बड़ा जालिम कोई शौहर नहीं होगा जो अपनी बीवी को इस हाल में बुलाएगा कि बच्चा पैदा होने वाला और हम इसको इस हाल, इतना जालिम नहीं होता कोई मर्द, इतना जालिम नहीं होता है। लेकिन एक मर्द की अहमियत बताई है कि देखो वो दिन भर थका मारा आया है, वो बाहर उसने हजारों किस्म की लड़कियों को देखा है, उसका दिल बहक भी सकता है, फिसल भी सकता है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा घर आने के बाद तुम्हारे सुकून की ज़रूरत है। सुनो मेरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो अल्लाह की बंदियो, तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें इस हाल में बुलाता है कि तुम चूल्हे पर बैठी हो, रोटी पका रही हो,
तब भी तुम्हें सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। रोटी जलती है तो जल जाए, हांडा हांडी में गोश्त पकता है जलता है तो जल जाए। जल्दी से गैस चूल्हा बंद करो और अपने शौहर के पास जाओ।